दोस्तों क्या आपको पता है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना किसने की थी और इस मंत्र में कितनी शक्ति है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर ये विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीर्ष दर्शन नहीं दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदल कर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। जोशियों ने मृकंड को बताया कि ये विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ये जानकर ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। माता के मुखमंडल में सदैव चिंता का भाव देख पुत्र ने उनसे कारण जानना चाहा, तो उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। तब बालक मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदा से भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने उनको जीवन दान दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। बाल भक्त मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठ कर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस ना हुआ और वो वापस लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि ऋषि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींच कर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा कि तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, हे कालों के काल श्री महाकाल, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र पूरी विधि विधान अनुसार पवित्रता का ध्यान रखकर पाठ करने वाले को कभी भी त्रास नहीं करूंगा और साधक अकाल मृत्यु के भय से बरी रहेगा। परम दयालु भगवान श्री महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है और इस मंत्र को कभी भी किसी भी स्थिति में लिखना या बोलना नहीं चाहिए। इसका पाठ नियमानुसार ही होना चाहिए और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रहे कि महामृत्युंजय मंत्र कोई भी साधारण कविता नहीं है, इसीलिए इसे खेल न समझकर बिना किसी नियम के कहीं भी लिखने या बोलने या पाठ करने से प्रायश्चित पड़ता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।